भाई टाइम पास भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। काफी सारे कलाकार हैं, कलाकार एक से एक लिए हैं, चेहरे एक से एक है, रोल भी सबको अच्छा अच्छा मिला है, लेकिन कोई ऐसा पकड़ पिक्चर में है नहीं। स्टोरी लाइन कैसी लगी? स्टोरी लाइन में कुछ है नहीं, बनाई वो लाइन है, और कोई सस्पेंस भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है सस्पेंस। क्या अच्छी विद्या पॉइंट जो लगी वो पूरे पिक्चर में? अच्छी पॉइंट कुछ भी नहीं, विद्या बालन को बताया इसमें CBI का रोल करती है और सब उसको पता ही रहता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कुछ नहीं, सब अपने आप बोलते हैं हमको ये पता है, हमको ये पता है, कुछ गले नहीं उतरे। राम कपूर का रोल बहुत अच्छा है, काफी समय बहुत है। राम कपूर का एक्टिंग भी बहुत अच्छा है और बॉडी लुक बुक बहुत बढ़िया दिया है। प्राजक्ता कोहली भी है, हाँ है, है। उनका एक गोस्वामी है, ये सब है, दो चार, हाँ वो सब है, सब किरदार सब अच्छे है, लेकिन न स्टोरी में दम है न कोई पकड़ है। डायरेक्शन वाइज कैसी लगी? कुछ नहीं, कोई डायरेक्शन भी कोई खास नहीं लगा। कोई ऐसा हाफ जैसा फर्स्ट हाफ हो, सेकंड हाफ हो? सेकंड हाफ थोड़ा अच्छा है, सेकंड हाफ के बाद नए पर्दे खुलते हैं। और पकड़ कैसी बनी? पकड़ नहीं बनी, नहीं। क्लाइमेक्स भी कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। कोई ऐसी सीख जो आपने सीखी हो इस पिक्चर से, कोई ऐसा लर्निंग प्रोसेस कुछ ऐसा लगा? राम कपूर का एक दो डायलॉग अच्छा है। 5 में से कितने स्टार हो? इसमें तो 5 में से 2 स्टार बहुत हो गए। ओके। हाँ सर, सबसे पहले कैसी लगी मूवी? मेरा नाम मधुसूदन देसाई है और पिक्चर जो है ने जो गुमनाम पिक्चर आई थी पहले मनोज कुमार की, उसकी जैसा बनाने की कोशिश की गई है लेकिन वैसी बनी नहीं है। मूवी कैसी लगी? मतलब काफ़ी सारे कलाकार है, कोई ऐसे कलाकार की एक्टिंग जो काफ़ी खास हो मूवी में? अच्छा तो राम कपूर की एक्टिंग अच्छी है। विद्या बालन जी कैसी लगी? ठीक है, वो CBI ऑफिसर है एक्चुअली, वो सस्पेंस है, उसके बाद में लास्ट में जो शेफाली शाह जी है वो बड़ा सस्पेंस है। काफ़ी अलग कलाकार है, प्राजक्ता कोहली, हाँ बहुत सारे एक्ट्रेस है, लेकिन सब आर्टिस्ट ज़्यादा करके वेस्ट हो गए हैं ऐसा, क्योंकि उसमें बॉलीवुड तड़का तो नहीं है, पब्लिक को पसंद नहीं आएगी उसमें। सस्पेंस वाइज दिख रही है ट्रेलर में, आपको कैसा लगा सस्पेंस मूवी का? सस्पेंस थोड़ा क्रिएट किया है लेकिन जम नहीं रहा है, अपने मतलब सीट पे बैठने को मन नहीं हो रहा है सर, ग्रिपिंग नहीं है। राम पिक्चर का लुक कैसा लग रहा है? राम कपूर का जैसा ये अपना विजय मल्या का जैसा लुक है, उसके जैसे स्टोरी बनाने की कोशिश की है। और सबसे कौन सा हाफ अच्छा लगा? पहला हाफ, सेकंड हाफ अच्छा था, सस्पेंस के साथ अच्छा लगा। डायरेक्शन वाइज कैसा था? डायरेक्शन ऐसा ठीक है लेकिन इसमें क्या है कि एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, गाने नहीं है, गाने भी नहीं है। 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 2। कोई ऐसी बात जो अच्छी लगी रहेगी, कोई सीखने जैसी बात आपकी, कोई लर्निंग प्रोसेस? वो जो टाइटल जो है नियत, तो सबकी नियत कैसी है वो उससे पता चलती है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले नियत कैसी लगी आपको? नियत फिल्म मुझे वन टाइम वॉच लगी, थोड़ी एवरेज लगी, मुझे लगता है कि स्क्रीन प्ले और अच्छा हो सकता था और सिनेमेटोग्राफी वगैरह जो मूवी की है एंड्रियस नियो की, वो और अच्छी हो सकती थी, मुझे लगता है कि और ज़्यादा ग्रिपिंग हो सकती थी, मतलब स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी, जो फोटोग्राफी है वो काफ़ी डार्क है कुछ पोर्शंस, तो वो अच्छे से शूट किए जा सकते थे। बाकी विद्या बालन, शी इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस राइट फ्रॉम डर्टी पिक्चर, आई हैव सीन इट 6 टाइम्स ऑन द बिग स्क्रीन, तो वो शी इज़ अ फेवरेट एक्ट्रेस और बहुत ही सटल, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही ग्रेसफुल लगी अपने रोल में एज ए CBI ऑफिसर। और मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज अनरेवल होती है, मुझे सेकेंड हाफ बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट हाफ बिल्डअप में क्या, लेकिन सेकेंड हाफ में जब स्टोरीज आती हैं और हर कैरेक्टर एक ग्रे शेड होता है वो मुझे अच्छा लगा। और काफ़ी सारे किरदार हैं, जैसे राहुल बोस हैं, उनका रोल थोड़ा लाउड ऑफ फ्लैम्बॉयंट है, बट राम कपूर ही इज़ अ फाइन एक्टर, फिर दीपन्निता शर्मा हैं, फिर शाहाना गोस्वामी हैं, अमृता पुरी हैं, बहुत सारे, प्राजक्ता कोहली का भी रोल अच्छा है, जुग जुग जियो में भी उनका अच्छा था, सो शी इज़ अ अपकमिंग एक्टर, तो काफ़ी सारे रोल्स हैं और एडिटिंग भी बिल्कुल शार्प है, 2.5 घंटे की, तो एडम मॉस की भी अच्छी है, और म्यूज़िक में एक गाना है फरेबी लास्ट में, वो भी मिक्की का, मुझे मिक्की मैक्लरी का म्यूज़िक भी अच्छा लगा, और बाकी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो बहुत सस्पेंसफुल हैं और बहुत ही यू नो ड्रामेटिक भी हैं, कि जैसे जैसे मैंने कहा मिस्ट्री अनरेवल होती है, एक एक यू नो पहलू आता है सामने, तो वो देख के बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। टाइटल कितना मैच कर रहा था पूरी ओवरऑल? हाँ वही दिखाया कि किसी की भी नियत, आप जो इंटेंशन है वो नहीं जान सकते, एंड तक, एंड में भी, क्लाइमेक्स में भी इतना बड़ा ट्विस्ट है, तो यू विल बी लाइक अमेज्ड, यू विल बी ऑस्ट्रक कि ये क्या हो गया, तो वो उस तरह से मुझे फ्रॉम द ऐसी मूवीज मर्डर मिस्ट्रीज बहुत कम बनती हैं,
तो वो देख के अच्छा लगा, जैसे शर्लक होम्स। बट फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग और मोनोटोनस हो जाता है, तो सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत स्टोरी अनरेवल होती है तो मजा आना शुरू होता है। विद्या जी एज अ सीबीआई किरदार कैसा लग रहा था, शूट कर रहा था उनके ऊपर? हाँ ठीक है, अभी वो मतलब अभी वो तो इतनी सीजन एक्ट्रेस हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। बट जैसे मैंने कहा क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट है, तो वो देख के अच्छा लगा। काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैरेक्टर्स बिल्डअप में फर्स्ट हाफ चला गया, तो वो थोड़ा सा मुझे अपार्ट फ्रॉम विद्या जी, इफ यू वांट टू पिक एनी थ्री जिनकी किरदार काफ़ी अच्छा लगा, एक्टिंग अच्छा लगा, कौन से तीन? ऑब्वियसली राम कपूर, बहुत ही फाइन उनका रोल था और वो सीजन एक्टर हैं राम कपूर। और अपकमिंग एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली, जिनको हमने यूट्यूब जुग जुग जो में भी देखा था, और काफ़ी वो भी अपकमिंग एक्ट्रेस है, प्रॉमिसिंग लगी मुझे। राहुल बोस तो मुझे लाउड ऑफ लैम्बोंट लगे, उसके अलावा कोई और एक्ट्रेस के बारे में मैं सोच नहीं सकता। एक्टर हाँ प्राजक्ता इज दे, हाँ। और तो मुझे कोई किरदार विद्या बालन अपार्ट फ्रॉम दिस जो सस्पेंस था वो कैसा लगा? अगर सस्पेंस को पाँच में से रेटिंग देना रहेगा, सस्पेंस को मैं 3-3.5 दूंगा, बट स्क्रीन पे थोड़ा सा स्कैटर्ड है तो और बांध के रख सकता था, स्पेशली फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में तो बहुत सारे यू नो आपको मिस्ट्रीज देखेंगी अनरेवल होती हुई, तो सेकेंड हाफ में आप थोड़ा सा ये करेंगे। बट ओवरऑल इट्स नॉट अ मास एंटरटेनर, इट्स फॉर क्लास ऑडियंसेस ओनली, स्ट्रिक्टली फॉर क्लास ऑडियंस, निश ऑडियंस के लिए। हाँ ओवरऑल 5 out of 5 मैं फिर भी बिकॉज ऑफ विद्या बालन आई गो विथ 3 stars, बट अदरवाइज स्क्रीन प्ले वगैरह को 2-2.5 stars में दूंगा। और बाकी सिनेमेटोग्राफी भी और अच्छी हो सकती थी, परफॉर्मेंसेस में भी मुझे एक दो कैरेक्टर्स ज़्यादा रिलेटेबल लगे, इतना रिलेट नहीं कर पाए हम। बट मर्डर मिस्ट्री ठीक है, अन्नू मेनन का डायरेक्शन भी मुझे अच्छा लगा, तो आई विल गो विद 3 stars ओवर। थैंक यू, आपको देख के बात करूँगा भाई। सबसे पहले कैसी लगी नीयत? नीयत में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं आया था, क्योंकि प्रमोशन ही नहीं हुआ पूरी फिल्म का। मैंने यूट्यूब पर ट्रेलर देखा और मैंने देखा कि आज रिलीज़ हुई तो मैं आ गया हूँ। तो एक इंग्लिश फिल्म का अडेप्टेशन मुझे लगती है ये, एंड एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं थे, एंड जितने कम एक्सपेक्टेशन रखकर आया था फिल्म ने भी परफॉर्म भी वैसे ही किया है। एक्सपेक्टेशन में क्या कुछ उम्मीद लग के आए थे जो देखना मिला आपको? मैं एक थ्रिलर फिल्म और थोड़ी सी एक सस्पेंस वाली फिल्म एक्सपेक्ट कर आया था। फिल्म के कुछ मोमेंट्स है थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरे हुए, पर ओवरऑल फिल्म मुझे बहुत वीक लगी। इसके कारण बहुत सारे हैं, एक तो फिल्म का सेटअप जो है वो अब्रॉड है, वेस्टर्नाइज्ड है, कैरेक्टर्स जो हैं वो वेस्टर्नाइज्ड हैं बट एक्टर्स इंडियन हैं, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हमें उतने रिच और वेस्टर्नाइज्ड अवतार में उन्हें देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है, तो नेचुरल नहीं लगते हैं। राहुल बोस एक ओनली एक्टर लगे मुझे पूरे ग्रुप में जो कहीं ना कहीं वो एक इंटरनेशनल अपील रखते हैं, एंड हु कुड पॉसिबली पुल ऑफ सम इंग्लिश डायलॉग्स एंड ऑल दोज थिंग्स विद अ नेचुरल फ्लेयर। हाँ, बाकी सब लोग ना एक लगता है कि ये इनके लिए शायद से एक नेचुरल एक जो बिहेवियर है वो नहीं है, ठीक है, बट सब लोग अच्छे एक्टर्स हैं। ओके, विद्या बालन जो है शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, बट ये रोल में मुझे लगा उनके लिए कुछ ऐसा मीट नहीं है, कुछ ऐसा दम मुझे नहीं लगा। उन्होंने अपना कैरेक्टर जैसा बोला, उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर जितना आप एक्सपेक्ट करते हो विद्या बालन से वैसे नहीं किया। जैसे आप कहानी में अगर आप उन्हें देखोगे तो कहानी में उनके कुछ कुछ सीन्स जो है जहाँ पे वो डायलॉग नहीं भी बोल रही हैं, बट उनके बॉडी लैंग्वेज, आई मूवमेंट्स वगैरह चीज़ों से आपको उनके प्रेजेंस का एक फील हो रहा है, यहाँ पे बहुत वीक है वो। इसमें कहीं ना कहीं रीज़न ये भी हो सकता है शायद से कि जो ओवरऑल लुक है फिल्म का वो विजुअली थोड़ा सा पुअर है, मतलब जो अगर मैं कलर ग्रेडिंग बोलूँ वो थोड़ी सी वीक लगी। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा वीक लगा मुझे कुछ कुछ मोमेंट्स पे, इनफैक्ट म्यूज़िक जो है बैकग्राउंड वो कॉमिकल होता है, आपको लगेगा कि जैसे आप कहीं ना कहीं एक जो थोड़े से टॉम एंड जेरी वाली कोई कार्टून देख रहे हो, वहाँ पर जैसा एक वो कैच मी इफ़ यू कैन वाला जो म्यूज़िक टाइप का एक वो रहता है कुछ ऐसा यू नो, वैसा टाइप का एक हल्का सा कॉमिकल बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे लगा। और मुझे समझा नहीं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म्स में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो आपको आगे कैरी करने में हेल्प करता है, बट यहाँ वैसा वो नहीं लगा। तो ओवरऑल काफ़ी चीज़ें डायलॉग्स बहुत पुअर हैं। ओके, जिस तरीके राम कपूर तो देखिए ये सब कैरेक्टर्स के लिए बहुत नेचुरली बने हैं। अगर मैं आपको इस फिल्म में बोलूँ तो राम कपूर का कैरेक्टर सबसे नेचुरली सूट हुआ है इस फिल्म में। ओके, फैंटास्टिक एक्टर, लुक वाइज लुक्स परफेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, डायलॉग्स उनके अच्छे थे, बोले उन्होंने डिलीवर अच्छे से किए हुए हैं, तो नो कम्प्लेन्स विद राम कपूर। बट ओवरऑल जो फिल्म का जो एक पूरा फ्लो है वो थोड़ा सा शुरुआत में बहुत पेसी है, बाद में उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया अनु मेनन जी ने, एंड बट और जो टुकड़े जो हैं शुरुआत में हमें शायद से समझ में नहीं आते वो बाद में उन्होंने बहुत अच्छे से जोड़े हैं, बट कहीं ना कहीं वो हर चीज़ में एक ट्विस्ट और टर्न और सस्पेंस ऐड करने के चक्कर में ना इतना ज़्यादा कुछ हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो
वो एक ऑडियंस का ना जो पूरा फ्लो है दिमाग में वो तोड़ देता है, फिर बीच बीच में ना आप एक दूसरे से ये बोलते हो अरे यार अब ये क्या चल रहा है, ओके हाँ वैसे टाइप का, और सब कुछ होने के बाद एंड में भी एक ट्विस्ट है, तो फिर आपको तो इट बिकम्स लाइक एन अब्बास मस्तान फिल्म, जहाँ पे यू नो आपको पहले लगता है कि कोई मर चुका है, फिर अचानक से एंड में वो दिखता है कि मैं तो जिंदा हूँ और कैसे जिंदा, तो ओवर बहुत ज़्यादा जब ट्विस्ट एंड टर्न हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस का भी एक फ्लो तोड़ देता है, तो मुझे लगा यहाँ पे 2.5 स्टार्स। थैंक यू।